एक गाइस वेलकम टू ट्रिक ऑन ट्रिक। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को किस तरह ब्लॉक करते हैं और कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि हर एक रूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। आईबॉल जो है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, इस पे लिखा रहेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है आईबॉल का वो एडमिन एडमिन डालना है। जैसे आप एडमिन एडमिन डालते हैं आपका पेज लॉगिन हो जाता है और पेज लॉगिन होते साथ ही आपको ऐसा एक पेज आएगा। आपको जैसे ये पेज आएगा आपको एक मैक एड्रेस लेना है, मतलब मैक एड्रेस जो रहता है वो मोबाइल का आईपी एड्रेस रहता है, तो वो आपको वायरलेस में से मिलेगा। आपको वायरलेस में जाना है। वायरलेस में आपको फिफ्थ ऑप्शन रहता है, वायरलेस स्टैटिस्टिक बोल के रहता है, उसमें से आपको मैक एड्रेस कॉपी करना है। जैसे आप मैक एड्रेस कॉपी कर लेते हैं आप वापस एक्सेस रजिस्ट्रेशन में जाना है। आपको वहाँ पर आपको सेकेंड ऑप्शन होस्ट सेलेक्ट करना है। होस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो मोड रहेगा उसमें आईपी एड्रेस है उसको मैक एड्रेस करना है। होस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नाम डालिए, होस्ट 1, 2, 3, 4। मैक एड्रेस में आप जो कॉपी किया उसको पेस्ट करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आपका सेव हो जाने के बाद में ऑप्शन आपको टारगेट पे क्लिक करना है। टारगेट में भी आपको जो रहेगा उस पर एड न्यू करके आपको वहाँ पर भी देखिए आप आईपी एड्रेस पूछ रहा है, उसमें डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको पूछेगा ये टारगेट डिस्क्रिप्शन और डोमेन नेम्स। आप टारगेट डिस्क्रिप्शन में फिर से आप टारगेट 1, 2, 3 कुछ भी आप डाल सकते हैं। और डोमेन नेम में आपको जो वेबसाइट आपको ब्लॉक करना है, जैसे कि आपको google.com, youtube.com, तो youtube.com डालिए। फिर यूट्यूब कौन से ऑन होता है, mobile.com से भी ऑन होता है, तो m.youtube.com, फिर www.youtube.com डालिए आप। और कोई और को वेबसाइट ब्लॉक करना है तो वो भी आप ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद में सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आपको वहाँ पर देखिए टारगेट 3 सेव हो गया। उसके बाद में आप स्केड्यूल पे क्लिक कीजिए, चौथा ऑप्शन है, उसमें भी आप ऐड न्यू कीजिए। ऐड न्यू करने के बाद में आपको स्केड्यूल डिस्क्रिप्शन पूछेगा, उस पर आप स्केड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आप डाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको हर एक का स्केड्यूल नेम अगर डिफरेंट रहना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए। हर एक का स्केड्यूल जो नेम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। उसके बाद में आप एवरीडे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में देखिए आप सेव हो गया ये ऑप्शन। अरे इसके अंदर एक और ऑप्शन है, आप इसमें एवरीडे के अलावा आप कोई भी सिलेक्शन डेट पे भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मंडे ट्यूसडे कभी भी आप कर सकते हैं, या सैटरडे संडे ब्लॉक, मंडे टू फ्राइडे ऑन, या 24 घंटे में आप क्लिक करके वहाँ पर टाइम भी डाल सकते हैं। टाइम फॉर्मेट मतलब 2 बजे से 10 बजे तक, 1 बजे से 12 बजे तक आप डाल के वो भी कर सकते हैं, या आपको हमेशा के लिए ब्लॉक करना है मतलब एवरी डे और 24 आवर्स, तो आप एवरी डे पे क्लिक करके उस पर आप सेव कर देंगे तो वो एवरी डे ही रहेगा। सेव कर दिया तो एवरी डे हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपको रूल में जाना है। फर्स्ट ऑप्शन है देखिए आप रूल, उस पर आप क्लिक कीजिए। रूल पे, रूल पे क्लिक करने के बाद में वहाँ पर आपको ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए ऐड न्यू पे फिर से आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपने जो होस्ट पूछ रहा है, देखो आपको होस्ट टारगेट स्केड्यूल स्टेटस, तो होस्ट पे आपको होस्ट 3 जो भी आपने बनाए रहेंगे वो उसको आप सिलेक्ट करके रूल का नाम आप रूल 3 दे के सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव कर देंगे आपको देखिए ये पेज लोड हो जाएगा। इस पे देखिए आप अनेबल इंटरनेट एक्सेस रजिस्ट्रेशन बोल के लिखे हुआ है, उस पे आप डिनाइड पे करके आप उसको सेलेक्ट करके आपको सेव कर देने का ये पेज। अलाउ जो है उसको हटा के आपको डिनाइड पे रख के अनेबल करके सेव कर देने का आपको ऑप्शन। जैसे ही आप अनेबल करके सेव कर देंगे सेव हो जाएगा ये। अब अनेबल पे क्लिक करके आप सेव कर दीजिए और आपका जो भी मोबाइल आपने ब्लॉक किया उस पर चेक कर लीजिए, यूट्यूब ऑन नहीं होएगा। पर एक आप बात याद रखिए, जो यूट्यूब ऐप है वो अगर फ़ोन में है तो उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, वो कोई वेबसाइट से रन नहीं होता है। तो यूट्यूब ऐप जो है वो
वो लोड होएगा फिर भी, तो आप उसके ब्लॉक उसको आप डिनाइड कर दीजिए या आप उसके अनइंस्टॉल कर दीजिए उसके अपडेट्स को। और अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्रिप्शन कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।